नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय है और आप देख रहे हैं इंस्टेंट टैक। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक हेल्थ डिवाइस की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है जो कि जेब्रोनिक की तरफ से आता है। तो दोस्तों जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या आता है। तो दोस्तों टॉप पर मिल जाता है आपको पल्स ऑक्सीमीटर और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आता। हाँ, एक यूज़र गाइड है जो आपको इस पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे ऑपरेट करना है वो बताएगा। तो आप यहाँ से इसे यूज़र गाइड को पढ़ के आप अपने पल्स ऑक्सीमीटर को ऑन ऑफ और यूज़ करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों इन सबको रखते हैं साइड में और हम देखते हैं अब अपने गैजेट यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर को कि हम इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और क्या इसका फंक्शन है और किस तरह से ये हमें एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, ब्रांडिंग जेब्रोनिक की है और ये जेब्रोनिक एक रिलायबल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से इसके अंदर आपको अपना इंडेक्स फिंगर डालना है। दोस्तों इंडेक्स फिंगर डालने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो बिल्कुल क्लीन हो। तो दोस्तों आपको इसमें बैटरी कैसे लगानी है और इसको पावर अप कैसे करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके पीछे बैटरी का स्लॉट दे रखा है और यहाँ पर आपको रिमोट वाले छोटी सेल लगानी है। 2 AAA पावर की आपको यहाँ पे बैटरी लगानी है जो कि ये है इस तरह का। दोस्तों इस पल्स ऑक्सीमीटर में प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो टर्मिनल्स हैं वो एक ही साइड दे रखा है, ऐसा हमें लगता है देखने में। बट यहाँ पर अगर आप इसमें मिस्टेक नहीं करना चाहते बैटरी लगाने में, तो आप इसमें जो सिंबल्स प्रिंटेड है वो सिंबल देख करके ही आप टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग बैटरी को सेट करें, अदरवाइज ये ऑन नहीं होगा। दोस्तों जब मैं फर्स्ट टाइम इसे ऑन करने की कोशिश कर रहा था तो मुझसे खुद भी ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं दोनों टर्मिनल्स एक ही साइड लगा रहा था, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एक ही साइड, नेगेटिव नेगेटिव एक ही साइड, बिकॉज इसमें ऐसा ही कुछ कंस्ट्रक्शन है कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो दोस्तों बैटरी लगाने के बाद इस तरह से आपको एक बार सिंपली बटन प्रेस करनी है और आपका पल्स ऑक्सीमीटर रेडी टू यूज़ हो जाएगा। जैसे ये ऑन होता है तो आपको इसमें अपना इंडेक्स फिंगर इस तरह से लगानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका इंडेक्स फिंगर है और इसको आपको सीधे इसके अंदर डालना है एंड तक, और उसके बाद सिंपली आपको हैंड आइडल छोड़ देना है और फिर ये ऑटोमेटिकली ऑफ भी होता है, तो आपको फिर ये बटन एक बार प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ये इंडेक्स फिंगर डिटेक्ट करता है ये अपना वर्क स्टार्ट कर देगा और वर्क स्टार्ट होने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट हो गया है और आप रीडिंग्स देख सकते हैं किस प्रकार से ये पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग्स ले रहे हैं। दोस्तों पल्स ऑक्सीमीटर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको 10 to 15 seconds में देगा, तो आपको 10 to 15 seconds तक के लिए वेट करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप SpO2 जो है ये ब्लड सेचुरेशन को बताता है। ब्लड सेचुरेशन मीन्स आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन का लेवल है वो आपको ये बताता है। तो दोस्तों ये बेसिकली 95% से 100% के बीच में वैरी करता है, और 95 से अगर कम है तो ये हमारे लिए थोड़ी सी कंसर्न वाली बात है। फिर आप बीच में देख सकते हैं छोटे में PI% लिखा हुआ है, इसको परफ्यूजन इंडेक्स कहते हैं। ये 0.02% से 20% के बीच में होता है, जो कि बताता है कि आपके इंडेक्स फिंगर या फिंगर्स में कितने ब्लड फ्लो है, कितनी स्पीड से आ रहा है। तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर होगा, ये बेहतर रिजल्ट देगा ये। और तीसरा जो है ये है बेसिकली हमारा हार्ट रेट दिखा रहा है, जो कि 60 to 100 बीट पर मिनट होना चाहिए। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें ये हमें दिखाते हैं, बेसिकली ये दो मेन चीज़ बताता है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल और दूसरा हमारा हार्ट रेट। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।